जानवर के खिलाफ मजबूर कर रहे। तो आप इस मुल्क के अंदर एक बंदे की मिसाल मैं दे देना, बात खत्म करूंगा, सवाल भी करना, नचौर ही काफी हूं। एडा वड्डा आलम मैं अपने आप हदीस दोस्तों ने आखूंगा, दो बंदियों आखूंगा, ब्रेड को के सारे तबके एहतराम कर दी। मौला मरदा खां अदब का जिक्र कर रहा, 40 साल की सिर्फ उम्र पाई, इन्नी छोटी उम्र और जिनी किताब उस बंदे खुदा ने लिखी हर इलम से और एडे मोती परोते बंदा हैरान हूं बे रब का मौजदा इन्नी थोड़ी उम्र तला ने सारे इलम उदे भर दी। मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह किताबा अगर मिल जान मेरे इतने देवबंदी दोस्त जो ने बरेली जो ने आलम या दूजे सारे पन खास करके माता इमाम मुहम्मद जी है वह हाशियात तारीख मुहम्मद जी लिखा। मौलाना बराई ने बिल्कुल इंसाफ रहना फैसले दिए कि खुदा दे बंदे जुलम ना करो, जरा हक है तेरे सामने इतमो ना फिर सूरा फातिहा की गल आई उन्हें आख्या सारे जहान के दफ्तर फोल लो है किसी जगह अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लैके एक सूरा फातिहा इमाम के पिछे ना पढ़ो, सूरा फातिहा और ना कि कुरान ना पढ़ो और ना पढ़ो गोल मोल गलों की लोड़ नहीं। अलहम शरीफ अगर साफ क्या हो गए कि इमाम के पिछे सूरा फातिहा नहीं जी मैंने रवाज बहा और रोकन की जी मेरे सामने लिया फरमाऊंगे एडा वड्डा लंबा चौड़ा दफ्तर है एक लफ्ज भी नहीं जिसे कि आपने मना किया कुछ नहीं है बराती गल बाकी ठीक है साहब रसूल पढ़ने वाले भी सी ना पढ़ने वाले भी जिन्हें तसली होगी पढ़ ली दर हजूर ने ज्यादा ताकीद की पढ़ना बिस्मिल्लाह कोई अग नहीं नींद पानी एवं झूठ बोलते बोले मुंह पत्थर पैने अग पानी कभी नहीं पानी। हजरत उमर रजी तरह का असुन कुमरा जमाने बहती फरमा खोल के क्या हजरत उमर रजी ने आख्या जब इमाम के पिछे नमाज पढ़ो तो हम से पढ़ो उन्हें आख्या इमाम हजरत उमर रजी भावे उच्ची पढ़ो पर मैं वह जर हाँ भावे मैं उच्ची तिलावत करता वहां और हम से जरूर पढ़ो ये हम जो नींद पत्थर पैने हजरत उमर रज पा दे बाबा बिन सामने रजी ने जरूर पढ़ो तो बाबा बिन सामने मुंह चक दिया नौज बोलो अब रहरा रजी ने जो पूछे उन्होंने शागिर्द ने कि इमाम साहब के पिछे कम हवा पर मैं हौली हौली अपने दर्ज पढ़ा कर किले किले हिसाब से मुंह तुम अग पाना चाहते खुदा के बंदे पढ़ ली नहीं पढ़ ली बाद भी गल है एडी जरूरी कि हजरत उमर जैसे बंदे वादा बन साम का मोहरा रजी जैसे उन्होंने मुंह चक पाऊंगे तो खुदा तो दरिया करो सोचा करो ये कितों तक मार जाती है हैं यार हदीसा ना बैर नहीं किले किले नेक लोगों से तुम जाके बमबारी कर रहे थे अपनी आंख बंद खराब कर ली रफा जान के लिख दे के साढ़े हनफी लोगों ने इमाम तहावी का भी लिखा ऐनी का भी लिखा तो पहले बंदे है जिन्होंने शरारत छेड़ी है रफा जान मनसूख है अब तारीख मजद रोज लड़ी दे और अपने आलमा को सब कुछ पढ़ो पहले बड़ा जमना कोई आम रजा खान ही लिखता तो देवबंदी जाते अब दुलाई के यार अखीर होगी अब दुलाई की जाता रहमत फरमाऊंगा कि रफा जैन के बारे जिन्होंने कहना शुरू करता ना कि मनसूख है बंद आने तहावी है पहला और बाद चैनी अरे बिल्कुल आंदा चिट्टा झूठ बोलिया एक हरफ ही नहीं दुनिया के अंदर के रसूला ने इस काम में बंद कर और देवबंदी हल्के के अंदर बहुत सारे साधे से साथी जड़े देवबंदी हजरात ना चल कोई गल नहीं बड़ा वड्डा मरकज मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी सदर मुदर्रसीन और देवबंद इन्हों तो वड्डा देवबंदी तबके हदीसा कोई आलम नहीं बनया बुखारी शरीफ के लैक्चर है उन्होंने फैजल बारी अलरफ शरी तिरमी शरा गां मारफ सुन शागिर मौलाना जैसे मुनारी रम तरह ने फरमाऊंगे साधे शाह खाते मौलाना अनवर शाह एक हरफ भी दुनिया में मौजूद नहीं हजूर ने इस खत्म कर मनसूख कर एक हरफ नहीं छड़न चाहे सर को माड़ा चंगा से अपने मसूद जी हसन रात रही है कि माड़ा जहा गुजारा बनता तो ना करिए ताकि वरना होगा दहाई खुदा जी इन्ने दफ्तर फटे है कि हजूर मौलाना अनवर शाह रमतुल्लाह अलैह 22 हदीसा 15 सही है 7 हसन है तो सद को ला दे कि एक हसन रात सही तो थले फिर मोहे एडे हदीसा की टक्कर रही ये मर जान एडी जरूरत कर रही इसे तो सैयद मौलाना शाह वरीला रमतुल्लाह फरमाने वल्लज़ी यरफ़ा जरा रफा बैन करता और ना करने वाले बहुत प्यारा क्यों जानना हदीस रफे अक्सर बस गिनती जी रफा जान हदीसा ज्यादा और ताकत भी ज्यादा और कभी है ये हसन बन गई है इस पारों मुनसिफ आदमी किसी गुरोह से उन्होंने खुदा का डर होंगे चला गुरु जाना गुरुआ ने चंद्र बचा आमीन के बारे भी फरमाते कि रिवायतों कुंभ राजना आमीन बलजहर जरा रुझान हासिल है यह पर्दा भारी है इस तरह इनकार ना करो ये ना कहना चंगा याद रखो मैं साफ कहूंगा बेना बिछिया चंगे बड़े आदमी कहते सिरे को चलो नहीं कहना तो ना क्या
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਬਿਗਾੜਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮੀਨ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ, ਬੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜ਼ਰੀਫ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਚੀ ਕੋ। ਮਗਰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੂਰਤ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਇਬਨੁਲ ਹਮਾਮ ਹਨਫੀ ਆਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਫਤਲ ਕਬੀਰ ਲਿਖੀ ਹਿਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਵੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਬੈਕਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗਜ਼ਬੁਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕਹੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਮੀਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਮ ਖਾ ਐਡਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣੀ, ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਦਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਜਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਰਿਵਾਇਤ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਣੇਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮ, ਚੱਜ ਨਾ ਆਖਣੀ, ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਣਾ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਚੀਚਾਂ ਦੋਣਾ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਣਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਉੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮੀਨ ਬਿਰਜਾਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਥੀ ਪਿਛਲੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾਹੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਹਰ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਿਫ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਬਹਿਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ